तो दोस्तों, एट वाले अंकल का आपको एक बार फिर नमस्कार। फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो मित्रों, मैं तो सोच रहा था कोटा पूरा हो गया रास्पबेरी पाई का, आगे प्रोग्रामिंग कोडिंग जब शुरू करूंगा तब की तब देखेंगे, बट नहीं, चलते चलते भी इसमें कई चीज़ें होती हैं जो सीखनी पड़ जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समस्या आती है इसके अंदर, बट है बहुत बढ़िया चीज़। एक बार ये सेट हो जाए, सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग हम इसको दे दें, तो कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। हुआ क्या, मेरे साथ प्रॉब्लम आई कि मैं जो पुराने एसडी कार्ड यूज़ करता था प्रॉपर चल रहे थे, उसमें एक आध में कोई प्रॉब्लम आई। मैंने अपने कंप्यूटर पे विंडोज 11 रखा है, उसमें रास्पबेरी पाई सॉफ्टवेयर को वो कर रखा है अपलोड, उससे मैंने कहा इसको राइट करवा देते हैं कार्ड्स को। तो मैंने दो कार्ड्स को उसके ऊपर राइट करवाया और फिर उसको लगाया। मैं LED टीवी, एक पुराने वाला है मेरे पास सोनी का, स्मार्ट टीवी नहीं है वो, तो उसको यूज़ कर रहा था पहले। तो मैंने जो कंक्लूजन निकाला, इसके रिजल्ट जो निकाले, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने वो दोनों कार्ड तो लगा दिए, पहले एक चलाया फिर दूसरा चलाया, एक और जो तीसरा था वो भी नहीं चल रहा था पहले। खैर, एनी हाउ, मैंने बूट लोडिंग भी करी रास्पबेरी पाई, वो कार्ड नहीं चल रहे। स्क्रीन स्टार्ट होता था, वो कुछ ना कुछ कोशिश करती थी रास्पबेरी पाई कि शुरू कर दूं, जबकि मारता था उसके बाद फिर बंद हो जाता था। और किनारे पर वो SDM1 लिखा हुआ आता था, और राइट साइड नीचे के कॉर्नर पर नो सिग्नल, और रास्पबेरी पाई काम कर रही है। अब डाउट तो होता है, पता नहीं भाई रास्पबेरी पाई ख़राब हो गई, दूसरी मंगवानी पड़ेगी, कार्ड में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कुछ। मैं तो दो दिन बहुत परेशान रहा, तो भी क्या हो सकता है इसका इलाज। तो मैंने वो फॉरम होता है अपना रास्पबेरी पाई का, उसके ऊपर भी मैंने ढूंढा, इसको सर्च किया कि भाई नो सिग्नल क्यों आ रहा है, स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा प्रॉपर, रास्पबेरी पाई का खुल क्यों नहीं रही है। सो मैनी थिंग्स, और दिमाग में 36 चीज़ें आती हैं। अब वो फोरम के ऊपर भाई बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे को देखने को मिली, सुनने को मिली, और कि भाई आप ये फाइल ऐड करो, टेक्स्ट फाइल ऐड नहीं है उसके अंदर। जब मैं बूट लोडिंग कर रहा था, टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो मेरे दिमाग में आया भाई अब हो सकता है ये जो विंडोज 11 है ये सपोर्ट ना कर रहा हो। ठीक, तो मेरे पास एक दूसरा पुराना कंप्यूटर है, विंडोज 1064 है, मैंने उसके ऊपर ट्राई किया। अब जब ट्राई कर रहा था उन कार्ड्स को दोबारा, मैं राइट करना चाह रहा था, तो मैंने उसको फॉर्मेट करने की कोशिश की, तो मैंने विंडोज़ पे फॉर्मेट करने की कोशिश की थी, अपने एक विंडोज 11 वाले कंप्यूटर पर भी, 10 वाले पर भी, पर अब क्या हुआ, वो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आ जाए, मैं कार्ड इंसर्ट करूँ वो फिर मांगे USB नॉट इंसर्टेड, इंसर्ट USB, भाई समझ नहीं आई कहानी क्या है ये। मैं एक नया कार्ड लेके आया और नया वो रीडर लेके आया, उसके लिए दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको भी आगे, वो भी लगा के देख लिया, फिर वही इंसर्ट कार्ड रीडर दिस दैट, फॉर्मेट ही नहीं हो रहा। अच्छा, जो विंडोज़ में हमारे फॉर्मेट होता है PC में, वो डिस्क सेलेक्ट करो, फॉर्मेट कर लो उसको, CDEFG जो भी कुछ है, उससे सेलेक्ट करा, तो एक कार्ड जो है वो खुल रहा था, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर आ रहा उसमें 256 MB, जबकि वो था 32 GB का, कंप्लीट फॉर्मेट नहीं हो रहा। सो दोस्तों, इसके अंदर पार्टीशन बन जाता है, जब हम कार्ड को रास्पबेरी पाई के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ये नॉर्मल कार्ड की तरह यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको करप्ट दिखाएगा, ये दिखाएगा, क्योंकि वो पार्टीशन हो जाते हैं, बूट हो जाता है ये कार्ड जो है। तो
अब परेशान, चलो ठीक है, वो फोरम पे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, किसी सज्जन ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आप जो है ना उसकी वोल्टेज चेक करो और करंट जो है प्रॉपर होना चाहिए रास्पबेरी पाई को, क्यों इसके जो सिग्नल होता है ना जो टीवी को जाता है एचडीएमआई केबल के थ्रू, इसको करंट की ज़रूरत होती है ठीक ठाक, वो ऑफकोर्स मिली एम्पेयर में होता है पर प्रॉपर चाहिए इसको, वो अगर जो कम जाएगा तो आपका टीवी स्क्रीन काम नहीं करेगा। खैर जी, मैंने वो पावर सप्लाई चेंज कर दी, फिर मैंने दोनों तीनों कार्ड लगा के देखे तो एक कार्ड जो मैंने छेड़ा नहीं था वो पहले का राइट किया हुआ था उसमें रास्पबेरी पाई 32, वो ओपन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अब जो रास्पबेरी पाई अपडेट होके आई है इसमें सिग्नल का जो करंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया है, क्यों तो पुराने कार्ड पे जो पुराना मैंने कर रखा था उसके ऊपर वो टीवी पे आ गया, मेरे पुराने एलईडी टीवी के ऊपर, और अब भी चल रहा है, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं डर के मारे। खैर जी, अब उसका क्या हाल था, फॉर्मेट नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर सर्च किया तो मैंने एक जगह जाके देखा कि वहां पे लिखा हुआ था रास्पबेरियन एसडी कार्ड फॉर्मेटर, रास्पबेरी पाई एसडी कार्ड फॉर्मेटर। वहां से मेरे को लगा कि भाई वाकई जो रास्पबेरी पाई के लिए एसडी फॉर्मेटर चाहिए, मैंने फिर उसको डाउनलोड किया, अपने स्क्रीन पे लाया, दिखाऊंगा आपको। और जो वो कह रही थी ना कि भाई इंसर्ट द डिस्क, इंसर्ट द ड्राइव, ले ही नहीं रहा था मेरा मतलब कंप्यूटर। मैंने उस एसडी फॉर्मेटर को खोला, खोलते ही उसने वो कार्ड दिखा दिया, वो स्क्रीन आ रहा था, उसके बावजूद भी मैंने एसडी फॉर्मेटर को ओपन किया फॉर्मेट करने के लिए, और एसडी फॉर्मेटर ने पकड़ लिया उस कार्ड को, परफेक्ट फॉर्मेटिंग कर दी उसकी मेरी। उसके बाद मैंने विंडोज में फिर दोबारा डाला, वो गायब हो गया जो लिखा हुआ आ रहा था। तो देर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब कार्ड के अंदर जब रास्पबेरी पाई हो जाती है लोड तो आप ये मत सोचो कार्ड खराब हो गए, मैंने भी सोचा था कार्ड खराब हो गए फेंक दूंगा। इवन मैंने जो है ना वो अपनी पेन ड्राइव उसमें भी राइट किया विंडोज 11 वाले कंप्यूटर से, वो भी काम ना करे, उसको डालूं तब भी लिखा हुआ आ जाए इंसर्ट डिस्क, इंसर्ट डिस्क, इंसर्ट यूएसबी। खैर एनीहाउ, वो जो एसडी फॉर्मेटर है वो मैं आपको दूंगा लिंक, आगे चल के मैं दिखाऊंगा डाउनलोड कैसे करना, बहुत काम की चीज़ है, हमेशा रखो उसको अपने साथ अगर जो रास्पबेरी पाई यूज़ कर रहे हो तो। रास्पबेरी पाई के कार्ड्स के लिए दैट इज़ द बेस्ट फॉर्मेटर। तो मैंने वो कार्ड फॉर्मेट कर लिए, मैंने बाई चांस क्या दिमाग में आया, मैं कह ये तो एसडी कार्ड फॉर्मेटर है, मैं कहा यूएसबी ड्राइव भी डाल के देखें फॉर्मेट कर दे, तो मैंने डाल दी यूएसबी ड्राइव, एसडी कार्ड फॉर्मेटर खोला और उसमें लिखा हुआ आ रहा ऊपर समथिंग पता नहीं क्या, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, उसने उठा के उसे भी फॉर्मेट कर दिया। कैन यू बिलीव, मेरी पेन ड्राइव वो फॉर्मेट कर दी उसने एंड नॉर्मल हो गई, जैसे मैं पहले उसमें फोल्डर रखता था, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स रखता था, जैसे कहीं ले जानी है लानी है, लाइक दैट नाउ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। ऐसा ही कार्ड के साथ हुआ, कार्ड हो गए ठीक मेरे, फॉर्मेट हो गए। अब मैंने विंडोज़ 10 से, मैं कहा चलो एक डाउट है दिमाग में विंडोज 11 से हो सकता है ये जो रास्पबेरी पाई की सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 11 सपोर्ट ना करती हो, कोई फाइल मिस होती हो, तो लाइक दैट मैंने पहले वाले सिस्टम विंडोज़ 10 से अपना उनके अंदर रास्पबेरी पाई को राइट करा। अब मेरे पास 4 कार्ड हो गए, एक तो पुराना हो गया वो तो चल रहा है, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं डर के मारे, बाकी 3 कार्ड हो गए। अब तीनों को मैंने किया, एक 128 GB का था जो मैंने खरीदा था विंडोज 10 के लिए, मैं यूज़ करता हूँ रास्पबेरी पाई में विंडोज 10 को चलाना हो तो 128 GB का चाहिए आपको। खैर अब मैंने जो है, वैसे मैं कम यूज़ करता हूँ विंडोज 10 को, अभी फुल सपोर्ट नहीं हो रही है रास्पबेरी पाई की, वो बड़ा रुक रुक के अटक के चलता है, उसमें स्पीकर नहीं काम करता, एक्सटर्नल स्पीकर लगाओ तो कई चीज़ें हैं, मतलब वो वाईफाई के लिए वो केबल अलग से लगाओ, तो मैं इसलिए अब इसको यूज़ नहीं करता, मैं नॉर्मल अपना जो है हमारा रास्पबेरी पाई का प्रोग्रामिंग शोग्रामिंग हो जाए उसमें
जो मैं आऊँगा आगे चल के, उसकी भी स्टार्टअप करूँगा मैं। तो अब मेरे कार्ड हो गए ठीक ठाक, ले गया जी मैं अपने LED TV के ऊपर, वोल्टेज चेक करी, सब कुछ चेक किया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। तो मुझे डाउट है कि ये जो आर्डुइनो सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुई है ना, इसमें जो सिग्नल करंट है ना वो बढ़ गया है कि मतलब थोड़ा ज़्यादा मांगता है। तो पुराना कार्ड चल रहा है, जब मैंने पहले पुरानी जो सॉफ्टवेयर थी इसकी उससे किया था, एक साल पहले, छः महीने पहले, लाइक दैट। मैंने वो कार्ड फिर लगाए उसके अंदर, कभी खुल जाए, और फिर जब मैं उसमें वर्किंग करूं कि भाई चलो YouTube पे कोई गाना ही सुने, वो जैसे ही मैं साइन इन हूँ एकदम बंद हो जाए, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही TV स्क्रीन की, सिग्नल की। खैर जी बहुत परेशान। अब मैं बताता हूँ आगे चल के, कार्ड ठीक हो गए, कार्ड फॉर्मेट हो गए, कार्ड के अंदर रीडिंग हो गई, SD फॉर्मेटर इज द बेस्ट थिंग। अब क्या होता है, मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं अपना जो स्मार्ट TV है LED जो मैं नॉर्मली देखता हूँ घर में, बच्चों तो देखो सुनो ध्यान से, ये मतलब ज़्यादा वो स्क्रीन पे या वैसे समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको नोट करते जाओ। मैंने क्या किया, उस रास्पबेरी पाई को पुराने TV से हटा के मैंने अपने नया जो स्मार्ट TV है मेरा, जिसमें वाईफाई भी अपने आप आ जाता है, सब कुछ आ जाता है दोस्तों, उसके ऊपर लगाया। जो कार्ड वहाँ नहीं चल रहे थे, तीनों कार्ड दे स्टार्ट वर्किंग। जो नया स्मार्ट TV मेरा, मतलब वो कम सिग्नल को भी उठा रहा है, तो TV की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखना आपको। मॉनिटर की प्रॉब्लम हो सकती है, रास्पबेरी पाई को दोष नहीं देना, कार्ड को दोष नहीं देना। वहाँ पे लगाते ही मेरे तीनों कार्ड वर्किंग परफेक्टली, स्क्रीन खुल रहे हैं, सब कुछ कर रहा हूँ काम उसके ऊपर। मैंने तीनों की ट्राई मारी भाई, आई वॉज सो हैप्पी। मेरा रास्पबेरी पाई जो के कार्ड ही जो के, HDMI केबल ही जो के, सो प्रॉब्लम वॉज विद द सिग्नल करंट। और एक ये जो विंडोज है इसको हमारे कार्ड्स को करती नहीं है फॉर्मेट, इसलिए SD फॉर्मेटर जरूरी है, कार्ड को रीयूज करना है, नहीं तो आपके दिमाग में आया कार्ड खराब हो गया, फेंक दो, दूसरा लाओ, दूसरे के साथ भी वही प्रॉब्लम हो गई, फिर फेंक दो, कब तक? नहीं भाई, खराब नहीं होते वो, उसको आप SD फॉर्मेटर से फॉर्मेट करो। और मेरे बच गए ना 2-3 हज़ार रुपये, ये तो मैंने भी सोच लिया था एक बार, फेंको इनको, कार्ड खराब है, नया ले गया और नए में भी सेम प्रॉब्लम आ रही, तो फिर क्या करें। सो दोस्तों अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा SD कार्ड फॉर्मेटर को कैसे डाउनलोड करना है, मैं लिंक भी दे दूंगा अपनी वीडियो में नीचे, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये है देखो हाउ टू फॉर्मेट, मैंने ऊपर लिखा है रास्पबेरी पाई SD कार्ड फॉर्मेटर विंडोज, तो नीचे ये स्क्रीन खुली है देखो spy.co.uk, और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया रास्पबेरी पाई के लिए ये SD कार्ड फॉर्मेटर बहुत ज़रूरी है, इसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इसको ओपन करते हैं हम, ये स्क्रीन आएगा, 2-3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये दूसरे स्क्रीन पे भेजेगा, तो खोलते जाओ जैसे जैसे बोलता जाइए, इसने दिखा रखा है देखो ये कैसे काम करता। एनेबल साइज एडजस्टमेंट वगैरह कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको डाउनलोड करें, और ये अब जो है दूसरी साइट की तरफ हमको भेजता है, बस ये लिखें और फॉर्मेट करें, नीचे वाले से कर लो जहाँ लिखा है रास्पबेरी पाई फॉर्मेटर SD कार्ड फॉर्मेटर। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें एक वो मिलेगा डाउनलोड के लिए लिंक, आप वहाँ पहुँच जाओगे, ये देखिए ऑफिशियल SD फॉर्मेटर ऊपर लिखा हुआ है, या ऑफिशियल SD फॉर्मेटर वेबसाइट, इसने हमें वहाँ भेज दिया है।
अब ये आ गया SDA एसोसिएशन, दिस इज द परफेक्ट, लॉग इन हो जाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है विंडोज 10 सी। तो यहां से आप मेमोरी कार्ड फॉर्मेटर विंडोज 11 को भी सूट करता है फॉर विंडोज। 2 मिनट का काम है। एक्सेप्ट, तो बस जो जो ये मांगता जाए ना वो करते जाओ। ये हो गया डाउनलोड, जिप फाइल खोलो, इंस्टॉल कर दो। रास्पबेरी पाई यूज करने वालों के लिए मुझे ये बहुत जरूरी लग रहा है। और नॉर्मली भी देखो ना, मेरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया इसने। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसलिए मॉडिफाई के लिए पूछ रहा है, तो मैं मॉडिफाई कर देता हूं उसको। इंस्टॉल, दैट्स इट, फिनिश। और ये विंडोज के ऊपर आ गया, ये SD कार्ड फॉर्मेटर, ये रहा। बस यहां से खोलेंगे और शुरू। अब ये देखिए, ये मेरा कार्ड रीडर है, इसके अंदर ये कार्ड है, राइट। अब इसको मैं पहले डालता था तो वो आ जाता था लिखा हुआ इंसर्ट। अरे भाई, इंसर्ट किया हुआ है, बार बार इंसर्ट क्यों मांग रहा। तो हमारी जो विंडोज़ के जो फॉर्मेटर है, फॉर्मेट करने वाला, वो नहीं उठाता, इसको दिखाएगा ही नहीं। मैंने उसको खोल दिया SD फॉर्मेटर को, ठीक। और SD फॉर्मेटर खोलते ही उसने दिखा दिया, जबकि ये लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट USB ड्राइव, उसने शो कर दिया। वो मैंने उससे इसको फॉर्मेट कर दिया, तो फॉर्मेट हो गया, पेन ड्राइव भी हो गई मेरी फॉर्मेट। वो उसको भी उठा गया जबकि वो दिखा रहा है इंसर्ट। चलो देखते हैं, हम इस कार्ड को डाल के अपने विंडोज सिस्टम में जिस PC पे आते हैं, अब ये कार्ड को दिखाएगा, क्यों SD कार्ड फॉर्मेटर से हो चुका। प्रैक्टिकली देखो, अब ये नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। ये कार्ड को वही इंसर्ट डिस्क दिखाएगा, बूट, देयर इज प्रॉब्लम विद द ड्राइव, स्कैन द ड्राइव नाउ एंड फिक्स इट, सो मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें ऐसी दिखा रहा है ये। स्कैन भी कर लो, हाँ, कुछ का कुछ मतलब दिखाता रहता है। ये जो रास्पबेरी पाई के जो हम कार्ड यूज कर लेते हैं ना एक बार, उसके लिए ये विंडोज का फॉर्मेटर कामयाब नहीं है। अब दिखा रहा, देखो, बूट स्कैन होने के बाद पता नहीं क्या रिपेयर किया इसने, फॉर्मेट। अब ऊपर देखो 256 MB, और जबकि कार्ड है मेरा 14 या 32 का, ये बस ये इतने को फॉर्मेट कर देगा, बाकी नहीं करेगा। क्यों, दो पार्टीशन हो जाते हैं रास्पबेरी पाई के बाद कार्ड के, एक पार्टीशन में एक अलग फाइल होती है, एक दूसरे में अलग होती है। लो, फॉर्मेट कंप्लीट, पर ये इसने फॉर्मेट कंप्लीट नहीं किया, 256 MB को फॉर्मेट किया है इसने, फिर वही रिपेयर एंड ड्राइव। सो लाइक दैट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी इसने दोबारा से मुझे फॉर्मेट करने के लिए, कि भाई रास्पबेरी पाई डालनी है। अब गॉड नोज विंडोज 11 की वजह से नहीं, विंडोज 10 में भी ये प्रॉब्लम आई थी मेरे को। तो ये जो विंडोज है ना, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा फॉर्मेट करने के लिए कार्ड को 100%। एक पार्ट को वो कर देता फॉर्मेट, और मांगेगा अगेन एंड अगेन, ये दो, वो लाओ, फलाना लाओ, ड्राइव दो, इंसर्ट द ड्राइव, लाइक दिस एंड दैट। अब ये देखो, मैं SD कार्ड फॉर्मेटर खोला है, हाँ, ये दिखा रहा है पूरा 14 MB, हैं 14 GB, बूट, रिफ्रेश। इसको आप यहाँ से फॉर्मेट करो, पूरा फॉर्मेट करके रख देगा ये, उसके बाद फिर हम विंडोज़ में चेक करेंगे अपने, पूरा दिखाएगी वो। तो मतलब वो फॉर्मेट नहीं कर रही पूरा, इसको लगाते हैं 2 मिनट में फॉर्मेट कर देगा ये। तो इसलिए अपने कार्ड को कभी भी दोष नहीं दो भाई कार्ड खराब हो गया, तो विंडोज़ के भरोसे चले तो कार्ड खराब हो गया,
कार्ड को मैंने तो सोचा फेंक दो, ये देखो फोल्डर इज एम्प्टी कंप्लीट फॉर्मेटिंग। अब एक बार फिर विंडोज में चल के चेक करते हैं अपने पीसी पे, अब ये पूरा दिखाएगा देखना बूट जी, हाँ दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब पूरा फॉर्मेट हो गया, यूएसबी ड्राइव पूरे दिखा रहा है अभी अभी, क्यों? एसडी कार्ड फॉर्मेटर ने इसको कंप्लीटली फॉर्मेट कर दिया 100%। अब देखो अब ये पूरा दिखा रहा है ना ऊपर 14.8 GB, पहले 256 दिखा रहा था, अब ये भी पूरे को करेगा, पर इसको पका पकाया मिल गया है खाने के लिए। तो इसके डिपेंड नहीं रहना है रास्पबेरी पाई यूजर्स को, एसडी कार्ड फॉर्मेटर डालो बस 100% फॉर्मेटिंग हो जाती है आपकी। तो दोस्तों बहुत परेशानी उठाई है मैंने दो तीन दिन, उसके बाद जाके रिजल्ट निकाले हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक ना? और करिए आप, कोई परेशानी इस तरीके की आती है मुझे कमेंट करिए, मैं भी ढूंढता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, हो सकता है आप कोई नई चीज़ ढूंढ लें मेरे काम आ जाए। कईयों ने कहा ये फाइल डाल दो, वो डाल दो, वो कर लो, नो। हाँ वोल्टेज का ध्यान बहुत रखना, करंट का ध्यान बहुत रखना। ओके दोस्तों, उम्मीद है इससे काफ़ी कुछ आपको समझने को मिलेगा। और शुरू में जो मैंने लंबी चौड़ी स्पीच दी है ना, वो एक स्पीच नहीं है कि समझ लो समझौता पे लेक्चर है रास्पबेरी पाई के ऊपर, और प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया इसमें कैसे एसडी कार्ड रास्पबेरी पाई एसडी कार्ड फॉर्मेटर से कार्ड फॉर्मेट हो जाते हैं, कोई ख़राब नहीं होता, यूएसबी ड्राइव तक होगी फॉर्मेट। और फिर टीवी की प्रॉब्लम, पुराना टीवी सिग्नल ज़्यादा मांग रहा है, वो दे नहीं पा रही रास्पबेरी पाई, ठीक, जो आजकल की आज के हिसाब से सॉफ्टवेयर है, पुराना कार्ड ठीक चल रहा है, नए कार्ड नहीं चल रहा है इसके ऊपर, जो नया मैं डाउनलोड कर रहा हूँ 1.6.2, तो मे बी द सिग्नल स्ट्रेंथ इट नीड्स मोर, जो हमारे टीवी को खींचना चाह रहा है पर उसको मिल नहीं रही, तो इसलिए वो स्क्रीन ऑन नहीं होता, बाकी कार्ड बिल्कुल काम कर रहे हैं ठीक ठाक, दूसरे टीवी पे चलाया फर्स्ट क्लास स्मार्ट टीवी के ऊपर। तो कई चीज़ें आती हैं रास्ते में, तो उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ लिया होगा, और कोई प्रॉब्लम इस टाइप की आती है तो जस्ट गो टू दिस वीडियो एंड लिसन केयरफुली, वॉच इट। सो धन्यवाद दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंकल का आपको एक बार फिर नमस्कार, और फिर वही बात कि भाई ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे पहुँचाओ, मैं उनको ढूँढता होऊँगा, वो ज़रूरतमंद बच्चे मुझे ढूँढते होंगे, तो आप एक मीडिया बन के इसको जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक ये पहुंचे, ये मेरा मोटो है इस प्लेटफॉर्म का, फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का, कि जितना मैक्सिमम मेरे को नॉलेज है मैं उतनी दे दूँ। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।